दोस्तों आज की जोड़ी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज एक महिला पहलवान और एक जेंट्स पहलवान की कुश्ती होने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अखाड़े में महिला पहलवान भी बहुत ज़बरदस्त देखने में नज़र आ रही हैं, और ज़बरदस्त कहने का मतलब कि हट्टी कट्टी तंदुरुस्त नज़र आ रही हैं। आप लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं, इसलिए मुझे उसका जो है पूरा मतलब बताना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहलवान भी हट्टा कट्टा है और महिला पहलवान भी हट्टी कट्टी है, तो कुश्ती बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। तो आप देख सकते हैं महिला पहलवान ने कुछ इस तरीके से आँख में उसके जो है उंगली कर दी है, तो पहलवान को थोड़ी सी आँख में चोट लग चुकी है, लेकिन फिर भी कुश्ती तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मुकाबला पूरा नहीं होगा तब तक कुश्ती के अखाड़े से किसी को जाने को नहीं मिलेगा दोस्तों। नहीं तो फिर भाई इंसल्ट वाली बात हो जाएगी कि पहलवान ने मैदान छोड़ के निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जेंट्स पहलवान अंदर हाथ डालते हुए महिला पहलवान को जो है पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जेंट्स पहलवान अपने हाथ को बहुत ही सफाई से अपने दांव में कसते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से महिला भी उनके जो है अंदर घुसने की कोशिश बराबर जारी रखी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोशिश दोनों पहलवानों की नाकामयाब रही। कोई भी महिला पहलवान हो या जेंट्स पहलवान हो, लेकिन अपने अपने जोर को तो कसते ही हैं अखाड़े में, क्योंकि अखाड़े में उतरते ही इसीलिए हैं कि कुश्ती जीतें और अपना नाम कमा के जाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही पहलवान बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से लड़ रहे हैं कुश्ती को, और बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ इस कुश्ती को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जेंट्स पहलवान ने हाथ डाल दिया है महिला पहलवान के जो है पैर को उठाने के लिए, और महिला पहलवान भी अपने आप को कम नहीं लगाती हैं भाई, महिला पहलवान की तो दाद देनी पड़ेगी। बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुश्ती को परफॉर्म कर रही हैं, और जेंट्स पहलवान के हर दांव को काटते हुए नज़र आ रही हैं अखाड़े में, लेकिन यहाँ पे फाउल होने का चांस भी दिख रहा है। तो यहाँ पे फाउल होने से पहले ही छुड़ा दिया जो है रेफरी ने, तो रेफरी के द्वारा छुड़ाए गए इस मुकाबले को फिर से स्टार्ट किया जा रहा है, और बहुत ही बेहतरीन के साथ इस कुश्ती को लड़ा जा रहा है, और डंके की चोट पे जो है ये कुश्ती हो रही है, और बहुत ही चैलेंजिंग मामला है, क्योंकि जेंट्स पहलवान भी बहुत हट्टा कट्टा है और महिला पहलवान भी जबर देखने में लग रही हैं। तो दांव तो खाली हो गया महिला पहलवान का, ओहो क्या बात है क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुश्ती को परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही पहलवान। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस। अरे रेफरी साहब, अरे हटिएगा मालिक, देखने दीजिए ऑडियंस को, बेहतरीन शॉट मारा है महिला पहलवान ने, और यहाँ पे जेंट्स पहलवान को अखाड़े में धूल चटाते हुए नज़र आ रही हैं, और जेंट्स पहलवान का अभी भी एक भी बस नहीं चला है जिससे कि महिला पहलवान को गिरना पड़े अखाड़े में। और देखने में तो नज़र यही आ रहा है कि जेंट्स पहलवान तो यहाँ पर भाई हाथ धो के चले ही जाएँगे, और यहाँ पे फिर से अपने बाजुओं को कसते हुए महिला पहलवान को नज़र आ रहे हैं अखाड़े में, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कुश्ती को परफॉर्म कर रहे हैं दोनों ही पहलवान। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से बाहों में बाहें डाल के जो है बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे कुश्ती नहीं यहाँ पे टाइम पास होने वाला है। तो देखते हैं विजेता कौन होता है, और विजेता जो होगा वो तो कुश्ती के एंड में मालूम पड़ जाएगा दोस्तों। लेकिन आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कुश्ती के जो दीवाने हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा इंटरेस्ट मिले और मज़ा ले पाएँ कुश्ती का। और जेंट्स पहलवान और जब महिला पहलवान की कुश्ती होती है तो हर कोई देखने में इंटरेस्ट होता है हर किसी को, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा, और कुश्ती में बराबर बने रहिए आप भी, और आप भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए कुश्ती पसंद आए तो, बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं। बाकी यहाँ पे जेंट्स पहलवान हार चुके हैं और महिला पहलवान विजेता हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं अखाड़े में।